नमस्कार दोस्तों, मैं देवमणि तिवारी चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबके लिए फिर से उपस्थित हुआ हूं कुछ बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और ये व्याकरण के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि ये निश्चित ही किसी न किसी प्रति आपकी अगली आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा आंकड़ा है, मेरा अनुभव कहता है। तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। और प्रश्न पत्रों को हल करते समय हम विविध परिचर्चाएँ भी करते हैं, पता नहीं कौन सी परिचर्चा से कौन सा प्रश्न आपका हल हो जाए, इसलिए पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले प्रश्न। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाले को दोस्तों युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे युद्ध में यहाँ पर आपका अधिकरण कारक का है, जबकि यहाँ पर अधिकरण कारक नहीं दिया हुआ है। करण कारक है, करण कारक नहीं दिया हुआ है। संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक का चिन्ह नहीं है। संबंध कारक है, संबंध कारक का चिन्ह नहीं है। फिर इसके बाद है यहाँ पर अलुक, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास का होता है जहाँ पर कारकीय चिन्हों का लोप नहीं किया जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे युधिष्ठिर में जो पद है वह है युधि। क्या दिया हुआ है? युधि। युधि का अर्थ होता है युद्ध में, युधि का अर्थ होता है युद्ध में, अर्थात यहाँ पर युधि पद का कारकीय रूप लोप नहीं हुआ है, इस कारण से यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर से ध्यान सुनिएगा, इसके पूर्व पद में उपस्थित जो कारकीय रूप है उसका लोप नहीं हुआ है, इसी कारण से यहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। अतः यहाँ पर सही होगा कौन सा? प्रथम विकल्प। दूसरा, राम सीता से सुंदर है, सीता से सुंदर है। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, समानता बताई जा रही है। तो दोस्तों, जहाँ पर तुलना, समानता या अलगाव की बात होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। कहाँ क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर अपादान कारक होता है। करण कारक संबंध, करण कारक साधन के रूप में आता है, और संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य करते हैं उसको संप्रदान कारक कहते हैं। संबंध कारक में क्रिया का कोई संबंध नहीं होता, जबकि दो संज्ञाओं के मध्य संबंध वाक्य में दर्शाया जाता है। अतः यहाँ पर समानता होने के कारण से, तुलना का ज्ञापन होने के कारण से, समानता का ज्ञापन होने के कारण से यहाँ पर अपादान कारक कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? दोस्तों, इसमें दो दिया हुआ है, स्पर्श और संघर्षी। आपने देखा कि ज, र, ह और स, पहली बात तो र, ह और स स्पर्शी नहीं है, सीधे सीधे आपका ज स्पर्शी है, तो निश्चित ही यह संघर्षी होगा। दोस्तों, च वर्ग को, च, छ, ज, इन च वर्ग के वर्णों को संघर्षी वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में ज़्यादा बल यानी घर्षण का प्रयोग होता है, इस कारण से इनको संघर्षी वर्ण कहते हैं। जबकि यारा लावा को कोशल वर्ण कहते हैं, हा को कंठी यानी ऊष्म वर्ण कहते हैं, संघर्षी ऊष्म। हा और शा आपके संघर्षी ऊष्म वर्ण होते हैं, जबकि जा आपका स्पर्शी और संघर्षी दोनों वर्ण होता है। उसके बाद यह है, सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों, मैंने बताया होगा कि जब आधा चा कहीं पर दिख जाए तो यह मान लेना है कि वहाँ पर व्यंजन संधि है, और इस चा को ता कर देना है। क्या कर देना है? चा को ता कर देना है। तो चा को ता किया तो सच में चा को ता कर दिया तो यह आगा आपका सत, और आपका ये सत दो आए। उसके बाद क्या है? छात्र। अब छास्त्र तो कोई शब्द बनता नहीं है, तो दोस्तों क्या बनता है? शास्त्र शब्द बनता है। अतः इस प्रकार से आपका बी विकल्प सही हो जाता है, सत धन शास्त्र। इसके पश्चात दोस्तों अगले प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। अब इसमें कह रहा है कि प्रश्न कौन सा सर्वनाम है। अब देखिए वाक्य में सर्वनाम पद क्या है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तो मैं और अपने आप, यहाँ पर दो ही सर्वनाम पद दिए हुए हैं। तो दोस्तों, जब व्यक्ति क्रिया स्वतः की करने की बात हो, क्रिया के स्वतः की करने की बात हो, तब वहाँ पर निजवाचक, निज मतलब स्वतः, स्वयं करने की बात की जा रही है। अतः इसलिए यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कोई संबंध नहीं दिखाया जा रहा है, कहीं किसी वस्तु की निश्चित अनिश्चितता का बोध नहीं है, अतः इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
दूसरा है मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? क्रिया के अकर्मक, सकर्मक और प्रणार्थक ऐसे रूपों को देखने के लिए दोस्तों, अकर्मक क्रिया का परिणाम यह है कि आप क्रिया से क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करें, और अगर उससे कोई शब्द प्राप्त हो रहा है, हाँ या ना के होने के अलावा कोई और शब्द प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित वह क्रिया सकर्मक है, अन्यथा वह क्रिया अकर्मक है। अब यह देखें कि मीरा क्या हंसी, मीरा क्या हंसी, क्या यह वाक्य बनता है प्रश्नवाचक वाक्य? नहीं बनता है, अतः इसलिए यहाँ पर यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर यह वाक्य बनता, मीरा ने क्या खाया, क्या खाया, यह प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, अतः यह खाया यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाए। प्रेरणार्थक क्रिया में दोस्तों प्रेरणा होता है, जैसे राम ने मीरा से हंसवाया, ठीक है, तो यहाँ पर मीरा को हंसवाने का प्रेरणार्थक प्रयोग हो रहा है, अतः इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती। किंतु यहाँ पर मीरा सीधे क्रिया के कर्ता के रूप में है और यहाँ पर हंसने की बात है, अतः यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाए। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? जितने भी विराम चिन्ह हैं उनमें निर्देश, लाभ, उपदेशक या विवरण में से कौन सा नहीं है? तो निर्देश का विराम चिन्ह होता है यह, लाघव का होता है यह, विवरण का होता है यह चिन्ह होता है, उपदेशक का कोई चिन्ह नहीं होता, अतः इसलिए विराम चिन्ह में उपदेशक नामक कोई विराम चिन्ह नहीं होता। तो इस प्रश्न का यहाँ पर उपदेशक प्रश्न बना गया। शैतान की आंत, आंत का मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु, व्यक्ति की अत्यंत महत्वपूर्ण, तो आंत का मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। तो अब यह क्या है यहाँ पर कि वह अत्यंत धूर्त है, लंबी वस्तु की बात नहीं है, अंतर नगण्य वस्तु की बात नहीं है, अंतर्त लाभ, लाभ की शैतान लाभ तो करेगा नहीं, इसलिए ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पर यह चीज़ हो जाए अत्यंत धूर्त, यह इस मुहावरे का अर्थ होगा। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? जब देखिए कर्मवाच और कर्तिवाच दो आते हैं, जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती तब कर्तिवाच होता है, जब क्रिया कर्म के अनुसार आती तो कर्मवाच होता है, ठीक है। अब कर्ता के द्वारा, जब कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी तो क्रिया से सीधे संबंध उसका होगा, तो खाता है, खाए ऐसे रूप बनेगा इसका। राम यहाँ पुल्लिंग का है, क्रिया भी पुल्लिंग की प्रयोग हो रही है, अतः यहाँ पर कर्तिवाच्य है, कर्मवाच नहीं। अगर यहाँ पर राम को करण कारक में रूप बना दिया जाता, राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो फिर यह कर्मवाच्य हो जाता। राम से आम खाया नहीं जाता है तो फिर उभाववाच्य हो जाएगा, और उभयवाच्य यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। वह खा रहा था, इनमें से कौन सा काल है? रहा है, रहा किसी भी क्रिया के होने का बोध कराता है, मतलब कंटिन्यूसी का बोध कराता, हो रही का बोध होता है कि जिस समय वक्ता ने उस क्रिया को देखा है उस समय वह क्रिया हो रही थी। अब इसमें कह रहा है कि वह खा रहा था, यानी जब वक्ता ने देखा तब वह खा रहा था, लेकिन वर्तमान में वह क्रिया पूरी हो गई है कि नहीं पूरी हो गई, इस बारे में निश्चित नहीं है, अर्थात क्रिया का पूर्ण न होना, अर्थात अपूर्ण था। यहाँ पर भूतकाल की बात कर रहा है, अतः यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न आप सब लोगों के लिए, निश्चित ही ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको सही लगे होंगे, तो आप निश्चित ही प्रश्नों को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।